नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विन प्रोडक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं ग्लोबल T20 कनाडा का मैच नंबर 6, जो कि दोस्तों खेला जाएगा बीके वैसे MON टीम्स के बीच। डिप्लास करेंगे स्टूडियो पुलिस सेवन फोर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको सभी से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाके अपने टेलीग्राम पे आप सर्च करें @realFWP। अपने टेलीग्राम पे सिंपल आपने यही सर्च करना है, जिसे आप सर्च करेंगे आपको फैंसीबिन प्रोडक्शन का चैनल मिल जाएगा। वहां पे आपको देखेंगे 20,500 के आसपास सब्सक्राइबर, तो ये हमारा रियल चैनल है और उसी चैनल से ही आपने जुड़ना है। यदि बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच सबसे कुछ देर बाद ही शाम में 8:30 गेम शुरू होगा। और दोस्तों मैच होने वाला है CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो दोस्तों यहाँ का विकेट होता है और बैलेंस, यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को लगभग इक्वल एडवांटेज है। अब तक जो मैचेस खेले गए हैं एक बैलेंस टाइप का विकेट देखने को मिला है। जो बैट्समैन अच्छा खेलते हैं वो लोग यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर करते हैं। 150 के आसपास वाला विकेट है, तो उसी बीच में स्कोर यहाँ पे देखेंगे। पहले हम बात करेंगे दोस्तों बीके टीम्स की, तो बहुत बुरा हार रहा है। दो मैच खेले हैं, दोनों मैच ये टीम हार गई है। इस टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे रीजा हैंड्रिक्स, इनके साथ ओपन करने आएंगे उस्मान ख्वाजा। यदि बात करें रीजा की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, जो दो मैच खेले हैं 10-23 का स्कोर उन्होंने बैटिंग किया है। ओवरऑल T20 में इनका 34 कवरेज है, 244 T20 मैचेस का इनके पास एक्सपीरियंस है। 7,000 करीब इन्होंने अपने करियर में T20 में रन बनाए हुए हैं, तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। साउथ अफ्रीका के लिए बतौर ओपनर खेलते हैं, यहाँ पे दोनों मैच में अपना कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन अपने टीम में जरूर रखेगा क्योंकि ये अच्छे बैटर हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और अभी रेगुलर क्रिकेट भी ये खेलते हैं यहाँ पे अफ्रीका के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उस्मान ख्वाजा की बात करें, इनके साथ ओपन करेंगे। ख्वाजा की बात करें, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन T20 के कभी भी बहुत बड़े प्लेयर नहीं रहे। लीग्स वगैरह का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा T20 मैचेस खेले नहीं है। अभी तक दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 2-3 का ही स्कोर किया है। ओवरऑल यदि आप इनके आंकड़े देखेंगे तो 117 T20 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 3,000 के ऊपर रन बनाए हैं, 30 के एवरेज है, लेकिन T20 की उतने बड़े बल्लेबाज कभी नहीं रहे, तो एज ए प्लेयर रह सकते हैं। CVC के लिए उतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि शुरू में इनकी आदत ही नहीं है स्टार्टिंग से अटैकिंग शॉट्स खेलना। जो टेस्ट टाइप के प्लेयर होते हैं उनको शुरू में समय लेने की आदत होती है, लेकिन T20 में वो समय आपके पास होता नहीं है, तो ठीक से पिक रहेंगे आप ले सकते हैं, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनके पास रेड बॉल क्रिकेट का। नंबर 3 पे आएंगे मुनीर अहमद, जो टीम के कीपर हैं, पर लास्ट गेम पे 0 उसके पहले 22 किया था। ओवरऑल T20 में 24 के एवरेज है, तो आप छोड़ सकते हैं, कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। हर्ष ठाकर की बात करें, जिन्होंने लास्ट गेम में 70 रन की अच्छी इनिंग खेली, लेकिन इनकी ये इनिंग इन्हीं की टीम को मैच हरवाने का एक सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि 150 करीब का टारगेट था जब ये लोग चेज कर रहे थे। हर्ष ठाकर ने 67 गेंद में 79 रन बनाए थे, 117 के स्ट्राइक रेट से इस बंदे ने 79 की इनिंग खेली थी। जब आप 150 का टारगेट चेस कर रहे हो तो अभी 117 के स्ट्राइक रेट नहीं खेल सकते। ये बंदा लास्ट तक नॉट आउट रहा 79 करके, लेकिन अपनी टीम को मैच ही नहीं जीता पाया, तो क्या मतलब ऐसी इनिंग का। लेकिन फैंटेसी के लिहाज से हमारे लिए तो अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी टीम में आप ले सकते हैं, लेकिन इस मैच में हो सकता है ये थोड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट खेलने की कोशिश करें, अपना विकेट फेंक दें, तो ये इनके साथ रिस्क बना रह सकता है। लेकिन लास्ट गेम में अच्छी इनिंग थी, लेकिन टीम के मतलब हित में उतनी अच्छी नहीं गई। उसके पहले वाला जो मैच खेला था वहाँ पे 0 भी आउट हो गए थे। देखिए पार्ट टाइम बॉलिंग करना जानते हैं, अपने करियर में 27 मैच में 364 रन थे, 26 के ओवर था, लेकिन लास्ट गेम में अच्छी इनिंग जरूर खेल के आ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। आसिफ की बात करें, लास्ट गेम खेले 0 पे आउट हुए, पहला गेम खेले नहीं थे, पाकिस्तान से आते हैं, वो तो फिर से खेलते हैं, लेकिन उतना कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है। दीपेंद्र सिंह अरे नेपाल के प्लेयर हैं, लास्ट गेम में 1 रन किया, ये भी बतौर फिर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बस यही है कि यहाँ पे अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पाया जो लास्ट मैच खेले थे। ड्वेन पोर्टर की बात करें, बैटिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग फर्स्ट हो, दोनों कंडीशन में से किसी के अच्छे ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट होगा तो डेथ में डालेंगे, और यदि बैटिंग फर्स्ट होता है तो बैटिंग भी आ जाएगा। लास्ट गेम 29, पहले गेम में 16, बॉलिंग 3-4 ओवर पक्का है, तो एक आध विकेट बॉलिंग से आपको दे सकते हैं, और दोनों कंडीशन में इनका बैटिंग आ जाता है। सामने वाली टीम मजबूत है तो इनका सेकंड इनिंग में भी बैटिंग आ सकता है, तो CBC के ये भी एक अच्छे ऑप्शन है, और स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट होगा तो थोड़ा विकेट लेने के इनके चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इन्हें CBC बना सकते हैं। नीचे देखेंगे संदीप लमिशाने, ये भी नेपाल की प्लेयर है, लेकिन अच्छे विकेट टेकर हैं, लास्ट गेम में 2 विकेट, पहले गेम में 1 विकेट, 3 विकेट तो चटका चुके हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं, 4 ओवर आपको डालते हुए नजर आएंगे। जेरेमी गॉर्डन की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम डालते हैं, लास्ट गेम में खेले 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, GL में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। मोहम्मद आमिर, लास्ट गेम में 4 ओवर 1 विकेट, पहले गेम में विकेट नहीं मिला था, 3-4 ओवर आप इनसे भी उम्मीद कर सकते हैं, तो भी अच्छे प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए भी रिसेंटली में खेले हुए हैं। पॉल ऑन मेकरन नीदरलैंड से आते हैं, 3-4 ओवर आप इनका भी बॉलिंग देखेंगे, दोनों मैच में 1-1 विकेट इनको मिला है। हम इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 बॉलर 2, 3, 4 और आपको ऊपर 5वें नंबर पर दिख रहे होंगे पेटोरिस, ये 5 मेन बॉलर हैं, इनमें से किसी को ओवर कटेंगे तो गॉर्डन के ओवर कट सकते हैं,
या फिर मेकरन या में से देखिए चांसेस तो गॉर्डन के कटने हैं, यदि इनमें से किसी के भी ओवर कटेंगे तो छठवें बॉलिंग के ऑप्शन के रूप में टीम के पास यहाँ पे दीपेंद्र सिंह हैरी का ऑप्शन है जो कि एकात ओवर करा सकते हैं, या फिर हर्ष ठक्कर भी एकात ओवर करा सकते हैं। हो सकता है लास्ट गेम में टीम ने पांच ही बॉलर्स का यूज किया तो सेम बॉलर्स का भी टीम यूज करे। लास्ट मैच में लोग माइकल रिपन को खिलाए नहीं थे और इनके स्क्वाड में देखिए बरिंटन का देखना पड़ेगा अब लेवल है कि नहीं, और कोई उतना प्लेयर अभी बड़ा इनके स्क्वाड में नहीं है तो ओवरऑल इनकी टीम कमजोरी लग रही है। बात कर लेते हैं एमओएन की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आपने जो जाना है टेलीग्राम से ऑलरेडी पर दोस्तों 20,500 से ज्यादा जुड़े हुए तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों अभी जो एमओएन की टीम है पहले बात जीत के आ रहे हैं, इस टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे एस्टन अगर उनके साथ ओपन करने हैं क्रिस लिन। एस्टन अगर की बात करें राइट हैंड बैट्समैन है, डोनी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और एस्टन अगर देखिए जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो ये बतौर फिनिशर बतौर लोअर ऑर्डर बैटर खेलते हैं और साथ में चार ओवर की बॉलिंग करते हैं। लास्ट गेम में 41 रन की इनको ओपन करने का मौका मिला, चार ओवर की बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाले तो बहुत ही सेफ कैप्टनसी के ऑप्शन रहने वाले हैं। और अपने कैरियर में 157 T20 मैच में 1200 करीब रन बनाए, 16 की औसत से और 128 विकेट निकाले हैं, चार ओवर की बॉलिंग कर देंगे साथ में ओपन करेंगे तो बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे सीबीसी के स्मॉल लीग के अंदर। इनके साथ ओपन करने क्रिस लिन जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 12 रन किया, बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, T20 में 32 की एवरेज है, दुनिया की हर लीग में इनके पास खेलने का एक्सपीरियंस है तो आप इनको भी जरूर कवर करें, ओपन करेंगे और तगड़े हिटर हैं, जिस दिन रहता है तो बड़े शॉट्स खेल के बहुत रन बनाते हैं तो दोनों के लिए मस्ट पिक है। नंबर 3 बैंक की टीम से फटे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, T20 में 27 की एवरेज है लेकिन लास्ट गेम में 44 रन की अच्छी इनिंग खेली प्लस कीपिंग करेंगे तो वहां से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं तो आप इन्हें भी सीबीसी कर सकते हैं, ठीक पिक आपके लिए रहेंगे। नंबर 4 पे आएंगे दिलप्रीत बाजवा जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 41 जरूर किए लेकिन T20 में 22 की एवरेज है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, बॉलिंग नहीं डाली इसलिए सिर्फ आप जीएल में ट्राई करिएगा। नीचे देखेंगे आदित्य 1 रन बनाया, इसके बाद लिस्ट मैच में कुछ खास नहीं किया था, आप इनको छोड़ सकते हैं। बेन मलेंते की बात करें जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट गेम में 40 रन बैटिंग किए, बैटिंग इनका 10 का ही एवरेज था, 36 गेम में 140 रन लेकिन इनको बॉलिंग ही नहीं मिली। अब बॉलिंग नहीं कराएंगे तो फिर थोड़ा सा एवरेज रहेंगे क्योंकि बैटिंग से आप इतना नीचे हर बार इनसे इतना बड़ा स्कोर नहीं देखेंगे क्योंकि 10 का इसके पहले एवरेज रहा है, लेकिन यदि बॉलिंग मिलती तो अच्छे पिक रहते, बॉलिंग नहीं मिली इसलिए आप इनको सिर्फ जेल में रोटेट करें नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। नीचे देखेंगे ट्रायमोन ड्राइवर जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम डालते हैं और लास्ट गेम में दोस्तों इन्होंने 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला और 87 गेम इनके नाम 62 विकेट है प्लस एक थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अनूप रवि को आप छोड़ सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। आयन अफजल ने लास्ट गेम में 4 विकेट निकाले, अच्छे स्पिनर है, विकेट टेकर है, यूएई से आते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आप अपनी टीम में ले सकते हैं। कलीम साना है तो कनाडा के ही प्लेयर लेकिन इनका जन्म वैसे पाकिस्तान में हुआ था लेकिन कनाडा के लिए खेलते हैं, लास्ट गेम में अच्छी बॉलिंग कराई, पेस अच्छा है इनके पास, लाइन लेंथ भी सटी है तो ग्राउंडिंग में ट्राई कर सकते हो। जहूर खान बॉलिंग फर्स्ट में डेथ में डालेंगे और चल लास्ट गेम में भी 1 विकेट लेके आ रहे हैं तो आप इनको कवर करिएगा। मेन बॉलर्स की बात करें 3 बॉलर आपको यहाँ दिखे, ये 3 मेन हो गए, चौथे बॉलर टीम के रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथे बॉलर में रायमन राइफर आप कह सकते हैं लेकिन इनके चौथे मेन बॉलर हैं एस्टन अगर, पांचवे बॉलर हैं रायमन राइफर, लेकिन यदि राइफर के कभी कभार ओवर कट जाते हैं या फिर अफजल के भी ओवर कट सकते हैं तो जो भी किसी को ओवर कटेंगे तो छठे बॉलिंग में टीम के पास मनंदे का ऑप्शन है जो जिससे टीम यूज कर सकती है, लास्ट गेम में हालांकि बॉलिंग नहीं कराई थी। डेथ में बात करें डेथ में दोस्तों आपको कलीम सान और जहूर खानी डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, इनके बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं यदि इनके देखिए लास्ट मैच लोग जीत के आ रहे हैं, यदि ये लोग मारवे रेसमस को छोड़िए यदि रदरफोर्ड वगैरह को लोग खिला लेंगे उमर जी वगैरह को तो इनकी टीम और मजबूत हो जाएगी तो देखना पड़ेगा किसी टीम खिलाती है। बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2,500 से ज्यादा जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ लिंक है, आपने जुड़ जाना है टेलीग्राम से, आप टेलीग्राम पर रियल FAW भी सर्च करके और 2,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में जा रहा हूँ, टीम सेफर्ट के साथ स्मॉल लीग के अंदर ही मस्ट पिक है। मुनीर देखिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेगा, रवि का भी कुछ खास मतलब नहीं तो आप सेफर्ट के साथ ही जाएं, यही बेस्ट पिक है। बात करें दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से हैंड्रिक्स आपके लिए मस्ट पिक है, क्रिस लिन को भी मैं लेके जा रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, अच्छे हिटर हैं और लास्ट गेम भी 1-2 अच्छे शॉट्स खेले थे, ख्वाजा थोड़ा सा खराब फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन मैं लेके जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस उसके पास बहुत ज़्यादा है इसी वजह से मैं इनको बैक कर रहा हूँ लेकिन मैं इस जगह चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर के दो प्लेयर को जरूर रखिएगा, ये दोनों छोड़ने लायक नहीं है। यहाँ पे और उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, ग्रैंड लीग पर आसिफ अली को ट्राई कर सकते हो, जेल के अंदर रदरफोर्ड खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में रोटेट कर लीजिएगा और यहाँ पे कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों अगर मस्ट पिक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन, दूसरा दोस्तों मैंने लिया है यहाँ से रायमन राइफर को, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट गेम में 4 ओवर डाल किए गए थे, यदि इनका सेम लाइनअप रहा तो फिर से अच्छा खासा बॉलिंग कराएंगे तो अच्छे पिक रहेंगे प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मनंती को आप ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, उमर जी वगैरह खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों पिटोरियस मस्ट है पिक, आमिर को मैं लेके जा रहा हूँ हालांकि काफ़ी थोड़ा कम सिलेक्शन कम हुआ है, लमशाने भी मस्ट है पिक है तो लमशाने पिटोरियस को जरूर रखिएगा, आमिर को भी मैं लेने वाला हूँ, जहूर खान मैं भी लिया हूँ, बॉलिंग फर्स्ट होगा तभी लूँगा, सेकंड बॉलिंग में छोड़ सकता हूँ, बॉलिंग फर्स्ट डेथ में डालेंगे विकेट मिल सकता है, अफजल को भी मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ, अच्छे स्पिनर है। कलीम साना को भी आप रोटेट कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में और पॉल एंड मिग्रन भी बॉलिंग फर्स्ट में ठीक ठाक पिक रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों हम टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं एस्टन अगर, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने कर रखा है ड्वेन पिटोरियस को,
आप चाहो ना तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना है। पिटोरियस आपको 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखेंगे प्लस नंबर 6 के आसपास बैटिंग करेंगे, तो बैटिंग भी इनका आ जाएगा जिस हिसाब से इनकी टीम खेल रही है। यदि बैटर्स में बात करें तो आप टीम सैफर्ट को बना सकते हो जो कि बैटिंग के साथ साथ आपको कीपिंग से पॉइंट देंगे। इसके अलावा दोस्तों रैमन राफर को आप जीएल में कर सकते हैं। बाकी बॉलर्स में यदि बात करें तो आप लमी छाने हो गए, और बाकी यदि जहूर खान का बॉलिंग फर्स्ट होता है, बैटिंग में एक प्लेयर और है रिजी हेंड्रिक्स, उसको शायद कोई सीबीसी नहीं बनाएगा, लेकिन आप सोच सकते हो ग्रांड लीग के अंदर यदि आप ज़्यादा टीम्स जीएल खेलते हैं। तो बाकी स्मॉल लीग के अंदर ऑलराउंडर्स में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टीम मेरे स्मॉल लीग कही है, इस टीम में यदि कुछ भी चेंजेस होगा तो फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट लिंक है, आपने जुड़ जाना है। और वीडियो में दोस्तों 2500 से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट लिंक है, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि सारा अपडेट आपको वहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।